नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड पुलिस एसोसिएशन रांची के चुनाव को लेकर आज साक्ची थाना के पुलिस एसोसिएशन भवन में एक बैठक की गई। इस बैठक में रांची के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। पुलिस पदाधिकारियों ने रांची से आए डेलीगेट को माला पहनाकर स्वागत किया। इस बैठक में 16 जून को होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी योगेंद्र सिंह टीम के साथ पहुंचे। संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि महाधिवेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, साथ ही चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर आज जिला का दौरा किया गया है। एसोसिएशन के संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक 3 साल पर चुनाव कराया जाता है, जिसमें नया जनादेश के साथ नए पदाधिकारी केंद्रीय पदाधिकारी चुनाव जीत जाते हैं और लोगों के जो भी कल्याण हितों से जो भी संबंधित कार्य है उसको 3 सालों तक पूरा किया जाता है। इसी के क्रम में सप्तम महाधिवेशन झारखंड का है, जिसमें 15 तारीख को महाधिवेशन होगा, 16 को मतदान होगा, उसी दिन मतगणना होगी और 17 तारीख को जो भी नए चुन के आएंगे उसका शपथ समारोह और प्रभार ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में जमशेदपुर में आए हुए हैं। वोटों को अपील किया गया कि जितने डेलीगेट्स हैं कम से कम उस दिन जाए और उनके समझ बुझ में जो अच्छे पदाधिकारी हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, जो एसोसिएशन के उनके हित में चला सके, उनके कार्य करा सके, वैसे पदाधिकारी जो चयन करे जरूर जाए, तभी वो चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी हमें उनके जो पदाधिकारी हैं आज तक जो है पदाधिकारी, उनके द्वारा एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को बताएं कि 3 सालों में क्या क्या किया गया। इनकी सबसे जबरदस्त मांग 13 महीने का वेतन जो ऐतिहासिक मूल्य झारखंड के लिए जिसको दिलाया गया, उस देने के एवज में 20 दिन का सीपीएल अवकाश को काट लिया गया था और प्रयास करके सीपीएल अवकाश को भी वापस कराया गया है। इसके साथ एमएससीपी का पुनर्नति का जो मामला था, एमएससीपी का भी जो मामला था उसका समाधान किया गया। अब सभी लोग देखेंगे पूरे राज्य में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके एमएससीपी जो है विधिवत लग रही है और सारी अड़चने को दूर कर दिया गया। एक सबसे बड़ी 2016 में एक सीमित परीक्षा के माध्यम से लोगों को लाने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे सहायक और निरीक्षक के पदोन्नति को बाधित हो गया था। आज भी वो 1200 के आसपास पोस्ट को होल्ड किया गया। हमने सीमित विभागीय परीक्षा को हमने समाप्त कराया और 2-3 महीने में 1200 सब इंस्पेक्टर पदोन्नति के द्वारा आपके विभिन्न थानों में मिलेंगे।